हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। ये हमारे देखिए बोन मील है। इस तरह से आपको बोन मील का खाद मिल जाएगी। आप इस पौधे पर किस तरह से डालोगे दोस्तों, तो चलिए मैं आपको, ये बोन मील जो है वो गुलाब का फूल पर बहुत ही ज़्यादा अटैक करते हैं और बहुत ही ये गुलाब के फूल के लिए फायदेमंद। तो दोस्तों, ये हमारे गुलाब का पौधा है। इस तरह से आप जो देख रहे हो, इस गुलाब पर बहुत ही बढ़िया इसमें वो बोन मील का असर करेगा और ये बहुत ही अच्छे लगेंगे दोस्तों। इस तरह से देखिए, ये हमारे गुलाब का फूल कितना बढ़िया और कितना इसका अच्छी रिस्पांस मिलेगी। तो मैं इसको बताने जा रही हूँ आपको कि कैसे इसको सुरक्षित रखना है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। दोस्तों देखिए, ये हमारे वर्मी कम्पोस्ट है। इस वर्मी कम्पोस्ट से आपको गुलाब के पौधा पर बहुत ही अच्छे अटैक करेंगे और इससे आपको गुलाब का फूल बहुत ही अच्छे खिलेंगे दोस्तों। ये देखिए, इस तरह से मेरे वर्मी कम्पोस्ट का खाद है। इसको आप अवश्य लाएं और पौधों पर इसको डालें। दोस्तों आपको कैसे डालना है तो मैं आपको अपनी वीडियो पर बताऊंगी। अभी आप यदि मेरी वीडियो पर नए हो तो मेरे वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब दोस्तों। चलिए तो मैं आपको ले चल रही हूँ एक पौधे। तो देखिए, ये जो हमारे बर्मी कंपोस्ट है, इसमें आपको क्या क्या एलिमेंट्स पाए जाते हैं तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसमें नाइट्रोजन 2% है, फास्फोरस 2% है, पोटास 2% है, मैंगनीज है, सल्फर है, जिंक है, क्वार्ट है, कॉपर है और कैल्शियम है, और इसमें बोरान भी पाया जाता है। इस तरह से इसमें सारे विटामिन मौजूद हैं। ये सड़े हुए गोबर का ये एक खाद एक तरह से अलग होती है, पर ये हमारी बर्मी कंपोस्ट है। इसको आपको यूज करना है आपको गुलाब के पौधे पर। ये बहुत ही अच्छे खाद, ये मतलब कि खाद आपको पौधे पर ये ग्रो करने से इसको लगाएं। और ये अगर आप 15 दिन पर एक बार डालते हो तो आपको गुलाब का फूल इतना ही खिलेगा दोस्तों कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये फूल से लद जाएंगे पौधे। आप इसको अवश्य लगाएं, गुलाब का पौधा लगाकर इस खाद को आप यूज कर आप अजमा कर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप वो ये खाद का आप यूज करते हो तो आपका गुलाब का फूल बहुत ही अच्छे लगेंगे और आपका पौधा बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। और इसके जगह पर आप यदि वाइट वाले खाद यूज करते हो तो उससे क्या होगा, पौधे खराब हो जाएंगे, फूल नहीं आएंगे, उनकी जड़ खराब हो जाएंगे। इसमें बहुत सारे विटामिन मौजूद हैं दोस्तों। मैंने ये तो आपको वर्मी कंपोस्ट के बारे में बताया है। अब ये हमारे बोल मिल है। इस बोल मिल को आपको वो इसमें बहुत सारे प्रचुर मात्रा में इसमें पोटेशियम या मैग्नीज भी पाए जाते हैं। इसमें बहुत सारे इसमें, तो इसको आप यूज कर ले। इसकी जगह पर एक हड्डी आती है, वो जैसे वो खाने के रूप में उसको हम लोग हड्डी के नाम से जानते हैं, उसको आप डालोगे तो उससे बढ़िया इस बोल मिल को आप यूज करते हो तो इससे बढ़िया आपको पौधे पर कोई ऐसा खाद नहीं है। तो दोस्तों, इसको आप पौधे पर अवश्य यूज करो। ये बोल मिल का एक तरह का खाद है। इसको आप महीने में एक बार यूज करें क्योंकि ये दो बार नहीं यूज कर सकते हैं। ये हमारे जो बर्मी कंपोस्ट है वो आप दो बार यूज करें, 15-15 दिन पर यूज करें। लेकिन ये हमारे जो खाद मैंने दिखाया है ये, तो इसको आप एक महीना पर यूज करते हैं। तो तीसरे चीज मैं आपको लेकर चल रही हूँ, ये हमारी है फिटकरी। इस फिटकरी को आपको कैसे यूज करना है गुलाब के पौधे पर, चाहे किसी भी पौधे पर, तो इसको क्या करना है, आपको भूरा बना लेना है और इसको भूरा पाउडर बना लेना है। और पाउडर बनाने के बाद आपको गमले में जिस तरह का ड्राई मिट्टी होती है उस ड्राई मिट्टी में आप आधा चम्मच ही डालें। आधा चम्मच डालने से क्या होगा, ये पौधे पर बहुत ही अच्छे रिस्पांस मिलेगी और फूल और उसके पत्तियां बहुत ही अधिक मात्रे में आएगी। तो दोस्तों, आप यदि इसको देते हो, इस आधे चम्मच यदि आप गमले में देते हो तो कम से कम 24 से 48 घंटे तक उस पौधे में आप पानी ना डालें, क्योंकि पानी डालने से वो पौधे पर खराबी भी पहुंचा सकती है, पौधे खराब हो जाएंगे। दोस्तों इसको आप यूज कर ले। इसमें आप डालने के बाद मैंने आपको बताया है कि पानी ना डालें। तीसरे चीज़ मैं आपको ले चल रही हूँ, ये हमारे चाय पत्ती का पानी है। यदि आप घर में चाय बनाते हो दोस्तों, तो चाय यदि उस चाय पत्ती बच जाती है तो बचने के बाद उसको सुखा ले और सुखाने के बाद उसको धूरा बना ले। और धूरा बना कर बाद उसको क्या करना है कि आप पानी में डालकर इसको इस तरह से आप बना ले, ये बिल्कुल चाय की तरह बन जाएगी। मैंने इसको बनाया है
तो दोस्तों इसको आप भी यूज कर सकते हो। ये गुलाब का पौधा के लिए रामबाण का काम करती है। और आपको मैं तीसरे उपाय बताने जा रही हूँ। जैसे कि आप घर में केले लाते हो तो केले के छिलके को क्या करते हो कि खाकर उसको वेस्ट समझकर फेंक देते हैं दोस्तों, तो उसको सुखाकर भूरा बना ले और भूरा बनाकर पाउडर जैसे बना ले। सुखाने के बाद वो बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं और ब्लैक होने के बाद उसको भूरा बना ले और भूरा बनाने के बाद आप दोस्तों उसको गमले में एक चम्मच डाले। चम्मच से डालने के बाद आप उसको मिट्टी के साथ मिला दें, वो आपको पौधे का बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे और वो पौधे को बहुत ही आसानी से ग्रो मतलब कि फैलाएंगे, पौधे बहुत बड़े हो जाएंगे और वो फूल फल अच्छे से उसमें एकदम अधिक से अधिक मात्रा में आएंगे दोस्तों। और मैं आपको चौथी उपाय बता रही हूँ कि केले के छिलके, जैसे हम लोग केला खा लेते हैं, केला खाने के बाद उसको क्या करना है कि छिलके को, जैसे कि ये हमारे गमले हैं, जैसे मैंने आपको बता रही थी कि इस पौधे को देख रहे हैं कि कितने भरे भरे पौधे हैं, इस पौधे के जड़ में आपको डालनी है। इस तरह से इस पौधे में कुड़ाई कर दें और कुड़ाई करने के बाद इसमें अवश्य डालें। इस तरह से आपको बहुत ही अच्छे इसका रिस्पांस आएगी, लेकिन ये गुलाब के लिए बहुत ही अच्छे और बेस्ट हैं। तो ये गुलाब के पौधे में यदि डालती हो इसको, इस तरह से आप कुड़ाई और निराई दोनों पसंद है तो इस तरह से यदि आप कोड़ कर दबाते हो तो ये पौधे में बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे, इसकी रिस्पांस बहुत ही अच्छे मिलेंगे। आप जानते हो जब पौधे में जब गुलाब का पौधा होता है तो गुलाब के पौधे में आपको उसमें कैल्शियम का मात्रा बहुत ही अधिक मात्रे में होना चाहिए, क्योंकि वह कैल्शियम जब तक आप उस पौधे पर नहीं डालोगे दोस्तों तो वो पौधे बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगी और वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। तो इस तरह से आप उसको अवश्य ध्यान दें और इस चीज़ को आप अपने घर पर फ्री में आप यूज कर सकते हो, कोई ऐसा खर्च नहीं करने की बात है दोस्तों। तो इस तरह का वीडियो या इस तरह का आपको जानकारी कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब दोस्तों। बाय बाय।